भगवते वासुदेवाय, प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु नमो भगवते कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेनात क्लेश नाचाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसारूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, अब आप अपने मन को एकाग्र कर लीजिएगा, आने का आपको पूरा पूरा लाभ अपने भगवान से दिलवाऊं। पूर्ण एकाग्रता इन दिनों अपने इष्ट देव जी की अपार कृपा के फलस्वरूप एक बड़ी जरूरी विषय पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। इस नए ज्ञान यज्ञ के दौर द्वारा में यह विषय चल पड़ा पहले अध्याय का, अर्जुन विषाद। विषाद कहती है बहुत ज्यादा दुख जो बुद्धि मन और तन से सहन ना हो सके। तो कारण तो हमने सोच लिया कि दुख का कारण क्या है। अब हम इन दिनों लगे हुए हैं निवारण पर। जैसे डॉक्टर साहब को बीमारी का पता लग जाए तो फिर दवाई भी उसकी बड़ी जल्दी तशखीस करके दे देता है, बड़ी जल्दी प्रिस्क्रिप्शन तैयार हो जाती है। आइए और विचार करें। और मैं ये भी आप सबसे आशा रखूंगा कि जो बात आपको ऋषियों के अनुभव पर पता लग रही है फौरन अपना लीजिए। वाह वाह वाह, इन इससे कोई बनेगा नहीं। दोस्त लाभ ये है कि ये बात मुझे अच्छी लगी, बस इसको मैंने अभी से अपना लेना है। देवी मैं क्या बोल रहा हूं, अभी से अपना लेना है, तब बात बन जाती, वरना मन धोखा देता रहा। कल्याण मन का है, फिर भी मन कहता रहता कर लूंगा, अब गा कहना हमारे लिए शर्म की बात है, क्योंकि आयु गई, चौकड़ियां भरती हुई जा रही है। अब तो आयु का सूर्य अस्त हुआ चाहता है। अब ये प्रसंग ऐसे कमाल के गए जो हमें अंतर्मुखी कर देंगे। दुखी कौन होता है जो बारमुखी है, और बारमुखी कौन होती है जिनको संसार धोखा दे रहा है, माया धोखा दे रही है। धोखा क्या होता है, हम कुछ और समझ रहे हैं और वो कुछ और है, इसे धोखा कहती है। हमने संसार को सही रूप में नहीं समझा होता, हम समझते हैं ये सुखदाई है। सुखदाई तो तब होता जब ये जिस वस्तु को हम चाहते हैं, हाँ जिस पदार्थ को हम चाहती है, जिस प्राणी को चाहती है, वो सदा बना रहे, उसका विचार सदा बना रहे, वो हमारे साथ प्यार सदा बना रहे। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने सृष्टि में हर समय तब्दीली का अटल नियम बनाया है। याद रखना, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, भगवान ने ये एक अटल नियम बनाया है, परिवर्तन होगा। दूसरी जिंदगी पर बेशक प्रेम पूर्वक नजर उड़ा लीजिएगा, कितनी तब्दीलियां आई आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके परिवार में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में। ये तो शुक्र है भगवान भुला देता है, वरना आदमी पागल हो जाए। कितना परिवर्तन होता है, इसी अबाला में ले लो, कितना परिवर्तन हुआ और आगे पता नहीं क्या होना है। तो दाना आदमी मेरे भगवान कहते इस पे दिल दाना कहां इससे खुश का। आप ऐसी विचारशील, आप ऐसी विचारशीला देवियां बिल्कुल नहीं डिपेंड करती प्राणी पदार्थों पर, इनका अवलंबन नहीं करना। सुख के निवारण बता रहा हूं, दुख के निवारण बता रहा हूं। दुख जो तीन प्रकार का होता है, शारीरिक मानसिक और सामाजिक। अब हाउ टू रिमूव, नॉट ओनली रिमूव बट अपरूट करना, उनकी जड़ें काट देना। ये बात कैसे बने बता रहा हूं अपने भारतीय उच्च कोटि के ऋषियों के अनुभव। शुरू में पता जो ना लगा, जिससे संसार की यथार्थता को जाना,
जरा सुनना, मेरे गुरुदेव ने मुझे क्या बताया था, जिससे संसार की असलियत को जाना, हाँ आधे से भी ज्यादा रास्ता उसका तय हो गया। किधर? भगवान की ओर। जिससे संसार की असलियत को जान लिया उसका मन वैरागी हो जाएगा, उसके मन की संसार संबंधी वासनाएं उड़ने लग जाएंगी, भागने लग जाएंगी। क्योंकि संसार संबंधी कामनाएं तो तब होती हैं जी जब इससे सुख की आशा रहे। देखो मैं कितनी बार समझा रहा हूं, मन में बिठा लेना। अगर संसार के पानी पदार्थ से सुख की आशा रहे तब तो हम संसार की ओर भग करके बार मुखी होते हैं। जब संसार की असलियत समझ आ जाती है, नहीं ये जिस रूप में नजर आता है थोड़ी देर के बाद वैसा रहता ही नहीं, बस अब आप मन को खींच लेंगे भगवती, तब आप अपने मन को विड्रॉ कर लेंगे कि नहीं ये हो गया इनकलाब, मानसिक इनकलाब। इनकलाब तो आप जानते हैं, क्रांति या रेवोल्यूशन, बिल्कुल ही अमूल चूल परिवर्तन को इनकलाब बोलते हैं। अमूल चूल परिवर्तन, ओवरहॉलिंग, हमारी बुद्धि हमारे मन और हमारे कर्मों की ओवरहॉलिंग हो जाती है। सिर्फ इतनी बात समझ आ जाएगी, नहीं फिर आप भगवान की ओर लपक जाती हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, जब तक आप संसार की असलियत को नहीं जानेंगे धोखे में रहेंगे, तब नहीं जीव को शांति मिल सकती। संसार की असलियत को जाने बिना हमारा मन बार मुखी रहेगा। बार मुखता का मतलब है प्राणी पदार्थों की चाहना, प्राणी पदार्थों की चाहना का मतलब है इनमें सुख को ढूंढना, सुख को ढूंढने का मतलब है धोखा, इनमें है ही नहीं। इनके साथ तो व्यवहार करेंगे, हम कई बार कह चुका हूं, ठीक है ऐसा अपने जीवन को देखते जाना। जो जो आप संसार की असलियत को यथार्थ रूप में जानेंगे त्यों त्यों आपका मन अंतर्मुखी होता चला जाएगा। आहा, भारतीय अनुभवियों का यही अनुभव है, अंतर्मुखी सदा सुखी और बार मुखी सदा दुखी। कभी ना भूलना मेरे सजनों, मेरी कल्याणकारी देवी हो, जो दिन प्रतिदिन अंतर्मुखी होती जा रही है, बाहर से दामन अपना बचा रही है, बाहर से मन की आशाएं छोड़ी जा रही, नहीं मेरी भूल थी, मैं इनके साथ व्यवहार करूंगी, इनका इतबार नहीं करूंगी, इनसे आशाएं नहीं रखूंगी, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करूंगा, है बस। ऐसे जीव को समझाना भी बेकार है, उसका मन अंतर्मुखी हुआ अर्थात मन की वास्तविक कामना गई। अगर मन वास्तविक कामना छोड़ दे तो मन बुद्धि में समा जाता है, क्योंकि ये बुद्धि का अंश है। जैसे आप मेरे भगवान की वाणी सुनने के बाद कहां जाएंगे? अपने घर के अंदर, चुका आप घर का अंश है। जैसे आप अपने परिवार का अंश है, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर फैमिली, पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर फैमिली, इस तरह विश्वास कीजिए। ये सिद्धांत है, मन बुद्धि का पार्ट एंड पार्सल है, मन बुद्धि का अभिन्न अंश है। जब संसार संबंधी वास्तव खत्म हो जाती है, मन उड़ारी मार के बुद्धि में चला जाता है, फिर बुद्धि में एक ही इरादा होता है, मैंने अपना जीवन अब भगवान या भक्ति की ओर लगा देना। बस मन जवान कब होता है? भगवान ने जोरदार चेतावनी दी मेरे दिव्य सजनों, इरादा ना हो उसका, जब इरादा नहीं सो जाए, विल पावर आपकी कमजोर होती जाएगी, आप एक इरादा नहीं बनाते। कमबख्त है वो नर नारी जो इरादे बनाते हैं, जो इरादे के बहुवचन बना लेती हैं। इरादे जिन्होंने बनाए जलील हुए, जिन्होंने एक इरादा बनाया आह कमाल कर गए, चाहे वो एक्सटर्नल साइंटिस्ट थे और चाहे ऋषियों की तरह इंटरनल साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट ये भी है या आंतरिक वैज्ञानिक है, और ये जो आज देखते हैं आप वो बाहर के वैज्ञानिक है, वो प्रकृति के पर्दों को उतार रहे गए, प्रकृति के लेयर को अनलेयर कर रही है, और ऋषियों ने अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार और आत्मा के पर्दों को उतारने की पूरी कोशिश की और सफल हुए। इसलिए मैं उन्हें जुरत करके कह रहा हूं इंटरनल साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का मतलब खोजी। जैसे किसी के गांव में चोरी जाती है तो खुरे की ओर देखते देखते निकल जाते हैं, उनको बोलते हैं खुरा खोजी, खुरा खोजी। ये बात साइंटिस्ट है, ये प्रकृति खोजी। और जो हमारे भारतीय ऋषि हैं, ये क्या है? मन बुद्धि और आत्मा के खोजी। जैसे एक एक खुरा देखते हुए आगे आगे निकलते जा रही है, खुरा वो जा रहा है, खुरा वो जा रहा है, ओ नदी के पार खुरा वो देखो वो जा रहा है, उसी खुरे के साथ साथ चलती है। इस तरह ये मन की खोज करती है, फिर बुद्धि खोज करती है, फिर परे आत्मा की खोज करते हुए हमें समझा देती है।
जैसे चोर पकड़ा जाता किसी गांव में, अब बाहर खोदा नहीं गया, चोर पकड़ा गया, चोर इसी में है। नंबरदार को मिल लेते हैं, कौन से आपके 10 नंबर ये हैं, फला फला फला, बस बड़ी जल्दी पता जाता है कौन गया था फला गांव में चोरी करने के लिए। इस तरह जब अगर ऋषियों ने खोज की मन की, तो मन की असलियत का पता लगा कि मन तो अपने आप में कुछ भी नहीं है, अगर बुद्धि अनेक इरादे ना बनाए तो। फिर बुद्धि अनेक इरादे क्यों बनाती, इसी खोज हुई। फिर उसमें एक इरादा रखा गया, जब बुद्धि में एक इरादा रखते हो, सुनो मन खत्म, संकल्प विकल्प खत्म, हा जी, तो फिर जब एक इरादा हुआ तो मन खत्म, जब एक इरादा हुआ तो मन खत्म, तो मन फिर नहीं, मन के संकल्प विकल्प सुपुरने फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, बिल्कुल ही खत्म। अच्छा, तो उसके बाद जब एक इरादा रहा, अब मेरे से ध्यान देना, बुद्धि भी खत्म। क्या मतलब, बुद्धि ने इरादा ही एक ही करना है, बुद्धि ने इरादा ही एक ही करना है, एक इरादा। तो मैंने अब शेष जीवन में भक्ति कमानी, अब शेष जीवन में भक्ति कमानी है, बस। फिर क्या हो जाएगा, दिन प्रतिदिन आप और अंतर्मुखी और अंतर्मुखी और अंतर्मुखी, दिन प्रतिदिन आप और अंतर में घुस जाएंगे, क्योंकि भाषण में फर्क पड़ेगा। फिर क्या होगा, अंतर्मुखी क्या होगा, मेरे से बात ये रास की सुन लो, आप में एकाग्रता बढ़ती जाएगी देवी, एकाग्रता और बढ़ेगी। अच्छा, आपको जाप में रस आएगा, सत्संग में रस आएगा, आप गीता पढ़ रहे हैं तो उसी में आपका मन गुम है, आपने भगवान जी का पावन नाम ले तो उसी में आप गुम है, आप ध्यान लगा रहे हैं तो उसी में आप गुम है, बस अब मेरे भगवान आपको अपना लेंगे। मैं आपको वहीं ले जाता हूं बार बार, ख्याल उसके वश में मन बहे, कभी ना भूलना देवियों, जब तक के मालिक आपको अपने में ना ले ले, कभी ना भूलना मेरे सज्जनों, जब तक प्रभु आपको ले ना ले, स्वीकार ना कर ले, और या प्यार से उंगली ना उठाएं, यही है मेरा भक्त, तब तक हम लगे रहेंगे, तब तक हम जुटे रहेंगे। ऐ शाबाश, हमने अपने आप को लगाए रखना है, शाबाश। ये कब होता है, जब सही समझ लिया संसार को, मन उपराम हो गया, मन ने एक ही, बुद्धि ने एक इरादा कर लिया, मन उड़ के ऊपर चला गया। अपना लो ना ये, मैं तो आपके लिए आया बैठा हूं, दिन रात अपनाने वाला हूं, मैं सिर्फ बुलार नहीं हूं कि मैंने कोई गृहस्थी पालनी है, मैंने आपको पालना है, और आपको मैंने अन्न जल दूध से नहीं पालना, आपको बुद्धि ज्ञान व्यक्ति ज्ञान और कर्म से पालना। शरीर तो पलता है खाने पर वाली चीजों से, और बुद्धि पलती है कर्म भक्ति और ज्ञान से। बुद्धि के लिए और कोई खुराक नहीं, मन के लिए यही खुराक है, बोल देता हूं। तन के लिए खुराक है भगवान के अनुसार कर्म करना, मन की खुराक है भगवान की भक्ति करना, बुद्धि की खुराक है भगवान के ज्ञान को अपने में रख लेना। वाह वाह, भगवान ने तीनों ही खुराक दे दी है, तन की, मन की, बुद्धि की, कभी ना भूलना। अगर आप भगवान जी के लिए कर्म कर रहे हैं, ओनली फॉर द सेक ऑफ ऑलमाइटी, तो हमारा एक एक अंग शानदार बनता जाएगा। अगर मन में केवल भगवान का चिंतन है, राग द्वेष काम क्रोध का चिंतन नहीं होता, तो मन जवान होता जाएगा, अर्थात ऊपर उड़ेगा। और बुद्धि में अगर एक ही इरादा है, बेड़ा पार, तरीके सीखो और करने लग जाओ। जैसे स्कूल में हम हिसाब का सवाल निकालते थे, तरीके का पता लग गया, फौरन निकालना शुरू कर दिया और जवाब मिल गया। हाँ, पर तरीके सीख ले और जवाब मिला मिलाया, फिर आपको जवाब मिल जाएगा फौरन, तो तरीका मेरे से ले लो, उसके बाद फिर आप जुट जाओ कि मैंने अपना जीवन ऐसा बना लेना, मैंने अपने आप को ऐसा कर लेना है, मां फिर बेड़ा पार। अभी यही पढ़ा है, फिर तो बेड़ा पार मेरे बेटे, आप सब अपनाने वाले गए, जीवन में उतारने वाले गए, जीवन में ढालने वाले हैं। जब भी आप करेंगे बस बेड़ा पार हो जाता है। यही तो हमने आना है यहां पर, तो मैंने अपना कल्याण करना है। बेटियों, आपको भगवान की कसम सुनने के लिए नहीं आना, मैं सबको गीता की कसम दिलाऊंगा, आपने केवल सुनने के लिए मुझे नहीं आना, अपनाने के लिए आना है, मेरे से सुनना है अपनाने के लिए। आप दुराय पर खड़े गए, हाँ पूछा नयनगढ़ की तरफ कौन सा रास्ता जाता है, ए ये, तो जो आपने पूछा फिर क्या कर लिया, आप चल पड़े। इसने जब आपने मेरे कल्याण की राह पूछी, अब बुद्धि को चलाओ, मन को चलाओ, पूछना है चलने के लिए या सत्संग में आना है आगे, मन बुद्धि को ले चले बेटे, मन बेटे, धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। तो आप बढ़ा ले चला आगे, बेड़ा पार, इतनी सी बात हमें समझ आ जाए, बेड़ा पार, भगवान करे, भगवान करे, मेरे प्रभु कृपा करे,
जिन्होंने इतना एकांत दिया, आहा, जिन्होंने गीता समझने की बुद्धि दी, श्रद्धा दी, वो अब कंजूसी ना करे, हमें अपना लेने की भी विशेष शक्ति दे। अब हम अपना ले जीवन में ढाल। एक बेचारा डॉक्टर के पास रो रहा था, मैं बड़े अमीर का इकलौता पुत्र हूं। अच्छा, हमारे घर में किसी प्रकार की कमी नहीं। अच्छा, हाँ, और पिताजी का कारोबार बहुत ही अच्छा है। अच्छा, और मुझे बड़ी रोनी आती है, इतना कुछ होने पर भी मेरे काया पिया नहीं हजम होता, उल्टी आ जाती है। ये सब कुछ घर में होते हुए खाया पिया नहीं, आपके लिए बौद्धिक रूप में, परमार्थ रूप में सब कुछ है, हजम भी कर लेते हो कि नहीं? ये भी तो बड़ी चोटी का भोजन है, मानसिक भोजन, बौद्धिक भोजन, हजम हो जाता है कि नहीं? जिस बच्चे का इतना बड़ा अमीर का लड़का और हजम नहीं कर सके, सेहत गई। तो सत्संग में आकर, सत्संग किसका है? गीता जी का। मेरा नहीं, कभी ना कहना आप का भागी बनोगे। हम गीता जी के सत्संग करने आते, आपकी कसम मैं भी आता हूं, क्या गीता जी के सत्संग सुनने। जब मैं बोलूंगा तो मेरे पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद कल्याणकामी हूं। जब आप सुनेंगे आप पर कितना असर पड़ेगा, हम सारे कल्याणकामी हैं। क्या हमने कल्याण करके जाना है, कल्याण करके रहना है, अपने शरीर को सफल करना है भगवान जी की उच्च कोटि के उपदेश से, बस ये भाव बन जाना चाहिए, फिर हजम होने को करिए। क्या मैंने हजम कर लेना है, बस इतनी सी बात बन जाए, दुख तो भाग जाती है। जब आप अंतर्मुखी हुए दुख गए, दुख तो तब होती है जब इंसान बाहर मुखी होता है। ऋषियों ने बताया दुख आए इसीलिए गए, तो आप भगवान से दूर होते जा रहे गए, तो जितने दुख आएंगे उतने आप भगवान की ओर जाएंगे। हाय, ठोकर खा खा, ये मेरे परमात्मा ने क्या नियम बना रखा है, हम किसी के मानते तो है नहीं। हाँ, हम मनमानी करेंगे, हाँ फिर हमें चोटें लगेंगी, क्योंकि बाहर जाए जितना भगवान से दूर होंगे उतना कामी बनेंगे, क्रोधी बनेंगे, मोही बनेंगे, लोभी बनेंगे, अहंकारी बनेंगे। और इनका रिएक्शन, इनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इनकी प्रतिक्रिया तीन प्रकार के दुख, भगवान किस चाबुक से मारते हैं, किस डंडे से मारते हैं, भगवान के पास यही डंडे गए, शारीरिक रोग, मानसिक क्लेश और बौद्धिक। मैंने अब फिल इन द ब्लैंक करो, मुझे खुश करो, भगवान तीन डंडे मारते हैं, शारीरिक बीमारियां, शारीरिक रोग, हाँ, जब इंसान बार मुखी होके, मन मुखी, बार मुखी होके नाना प्रकार के कर्म करता है, तो मन के रोग, मन के क्लेश और बुद्धि के रोग कौन से होती हैं? ये तो ये रोग हो गया, शरीर के रोग तो आप जानती हैं, मन के क्लेश भी आप जानती हैं, तो बुद्धि का रोग कौन सा है? दुविधा, करना है क्या, और इंसान सुलझता ही नहीं। जब रब दी मार पड़ रही हो और कर्मों दी मार पड़ रही हो, या रब का दंड या पेनल्टी या पनिशमेंट हो, तो इंसान दुराए पर खड़ा हो जाता है, मैं क्या करूं, हाँ परमात्मा मेरे समय, ये बुद्धि का रोग हो गया। और मन में बेचैनी, बेकरारी हो रही हो, नहीं, मन में संकल्प विकल्प हो रहे हो, पुरानी बातें दुखा रही हो, चिंता लग रही हो, ये मन करो। शरीर के रोग तो आप जानते हो, नाना प्रकार के शरीर के रोग है, तो ये इसे क्या करते हैं, रब दी मार, फलाने ने रब दी मार है, अर्थात भगवान पनिशमेंट। कब होता है ये पनिशमेंट? कब? जब बार मुखी होते, जब भगवान जी के अनुसार हम अपना जीवन नहीं गुजार रहे होते। बड़ा जरूरी है इस शरीर में आकर भगवान के अनुसार चलना, जरूरी क्या, अनिवार्य है, वरना मार ही मार है, वरना हम हमारे लिए मुसीबतें मुसीबतें हैं। तीन प्रकार के दुख रब एक प्रकार का दे देता, शरीर भी मार खाता है, मन भी मार खाता है, बुद्धि भी मार खाती है, अगर कुछ समय इलाज ना हो आत्महत्या, फिर बर्दाश्त ही नहीं होता। आत्महत्या का मतलब यही है, मैं तंग आ गया, मेरे तो नहीं रह जाता। चूंकि हम लोग जिंदा गए किसी उम्मीद पर, मन बुद्धि जिंदा गए किसी आशा पर, तो जब उसी कहीं किसी कोर से कोई रोशनी नजर नहीं आती, बस खत्म। आओ इस बात को और भी जानने की चेष्टा करें, और भी अपने इष्ट देव जो दयालु कृपालु है, हम गहराई में उतर जाए और इस बात को पिकअप कर ले बड़ी जल्दी। तो मैंने अंतर्मुखी होना है। अंतर्मुखी का मत कैसे होंगे, अंतर्मुख कैसे होंगे? जब भगवान जी के अनुसार आप अपना जीवन बनाएंगे, ये तो पक्का, जब तक मेरा शरीर है मेरे से ये पाठ पक्का कर लो कि मैंने अपना जीवन भगवान जी के अनमोल उपदेश के अनुसार बनाना है।
जब आप ये पक्का करेंगे अनमोल उद्देश्य मन तो गया, जब आपने ये इरादा किया मैंने तो अपना उद्देश्य, मन जवान तब होता है जब हम संसार को सच्चा मान करके बाहर, मन आंखों द्वारा बाहर जा रहा हो, कानों द्वारा बाहर जा रहा हो, हाथों द्वारा बाहर जा रहा हो, बाकी अंगों के विषयों को प्राप्त कर रहा हो, 10 अंग और 10 ही विषय है। मन कभी आंख में बैठ के लज्जत उड़ाता है, कभी कान में बैठ के लज्जत उड़ाता है, कभी हाथों में, कभी पैरों में लज्जत, कभी बाकी अंगों में लज्जतें उड़ाता है, यानी रस लेता है, ये रसिया बन जाता है मन रसिया। आए तब इंसान का बेड़ा गर्क हुआ, मन रसिया सदा क्या कहूं दुखिया। और मन जब रस लेगा इधर कहां से, बार मुक्त से, इसलिए ऋषियों ने निचोड़ निकाल के भगवान को लूट लिया। जब भगवान से तथास्तु का जब ये प्रार्थना की, कृष्णे रति अस्तु, प्रभु मेरा मन आपसे रस ले, फिर तो हो गया अंतर्मुखी। 99% इंसान रस लेते हैं बाहर से, तो बाहर से रस तो मिलता है पर इसी से प्रगट हो, ये जो निया बना रखा है प्रभु, फिर दुख हो जाएगा, रस तो मिलेगा पर वो परमानेंट नहीं साबित होता मेरे देवी मेरे सजनों, इसी जना करना दुखी है। और जब हमने असलियत की पहचान की और मन को अंतर्मुखी किया, उधर भगवान आपका मस्तक चूमते हुए श्रीमुख से कहेंगे, बस ये सिद्धांत, शताब्दियां गुजर गई गुजर जाएंगी, युग गुजर गए गुजर जाएंगे, कई कल्प आए और कई कल्प चले जाएंगे है, लेकिन ये सिद्धांत सदा ही हरा भरा रहेगा। भगवान के इस फरमान में कभी भी मासी प्राणी आएगा, तरोताजगी बनी रहेगी भगवान के इस फरमान में। कौन सा फरमान बाबा, अगर मुझको मन में हर रोग से पार, कभी ना भूला मेरे देवियों, मेरे जैसे को भगवान भेजते सिर्फ यही सिद्धांत बताने के लिए। हम लोग भगवान की ढंडोरची है, भगवान की संदेश वाहक है, भगवान की मैसेंजर है, आपको उनका उपदेश याद करवा जाते हैं। अभी हम दुखी क्यों हो रही हैं, हम अपने आपको यूं ठीक कर ले, बस जिन्होंने मान लिया अपनी बिगड़ी बना ली, जो नहीं मानते मनमानी करते हैं, जलील और ख्वार होती है, बर्बाद हो गए। सिद्धांत ये है कि भगवान को मन में बसाना, पहले भगवान के उपदेश को बसाना, पहले भगवान के उपदेश को बसाए, उपदेश के अनुसार अपना जीवन बनेगा। तेरी शादी कैसी हुई, शादी तेरी हो ही नहीं सकती जब तक किसी पुरुष की तू तमन्ना ना करे। अगर आप किसी पुरुष की तमन्ना करेंगे मेरी शादी होनी चाहिए, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मैं पढ़ रही हूं, मैं अच्छे से घर जाऊंगी, जब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेगी, भगवान कहते मेरा नियम है मेरी बेटी, जरूर जरा इंतजार कर लगाई थी लो जिससे, वरना कभी तेरी शादी ना होती अगर तू किसी को याद ना करती, बार बार मन में चिंता ना होता। चिंतन के बाद भगवान क्षमा पैदा करता है, ये परमात्मा का अटल नियम है। मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी, अगर हम किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी तमन्ना करना शुरू कर दे, और जब हमें असलियत का पता रहता है संसार की तमन्ना ही नहीं करती, क्योंकि उसके बाद दुख है। ले लो आपकी शादी तब होती जब आप किसी औरत को याद करें, बार बार देखें मेरी शादी होनी चाहिए, मेरा घर आबाद होना चाहिए, मेरा ये बार 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 और करो और करो और करो और करो, आधी रात को उठ को भी किया करो कि मेरे परमात्मा मेरी शादी होनी चाहिए, दुनिया में इतनी है मेरे लेखे को नहीं रही, हे रब्बा मेरे तेरे लेखे में कौन ही लिखा, क्या बात है भूल गए क्या, भगवान कहने में भूलिया नहीं अभी देता हूं। आई परमात्मा का नियम ही यही है, जिस वस्तु का चिंतन करोगे, लेकिन एक बात है इन सारे प्राणी पदार्थों को चिंतन करने के बाद, ले लेने के बाद, इनको इनका कंज्यूमर या उपभोक्ता बन जाने के बाद, जिसके कारण से सब कुछ किया, वो नहीं मिलती शांति, चैन नहीं मिलती, करार नहीं मिलता, चीजें मिल जाती, पदार्थ मिल जाती है, लेकिन ये तो सब कुछ किया था मन के करार के लिए, वो नहीं मिलता। जैसे मेरे गुरुदेव ने कहा था, बारात तो गई और लड़की वालों ने बड़ी कदर की, बारात में बड़े गया, पिता भी गया, माँ भी गई, बहने भी गई, चाचे ताए सारे गली मोहल्ले वाले यार दोस्त उसके पाठी पुठी सारे गए, क्या क्या दूल्हा को नहीं गया। जिस बारात में दूल्हा ना हो आप अनुमान लगा सकेंगे क्या हालत होगी। इस तरह हमने सब कुछ किया लेकिन शांति नहीं हमारे साथ, फिर ये करने का फायदा, सब कुछ दुनिया वाले कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, बड़े बड़े अफसर बन रहे हैं, बड़ी मकान जो है डबल ट्रिपल स्टोरी बनाई जा रही है, सब कुछ कर रही है लेकिन शांति नहीं। शांति का नियम ये गए कि मन में चिंतन भगवान का, भगवान का मतलब पहले उनका उपदेश जारी होना चाहिए, तो जो पढ़े लिखे नहीं है वो उपदेश तो नहीं करेंगे, धन्य जट की तरह क्या करेंगे, केवल भगवान का चिंतन करेंगे।
वो उपदेश करेंगे, लेकिन भगवान का चित्र करेंगे, उनका मन भगवान में टिकने लग जाएगा। जब वो उपदेश को लेती है तो हमारा मन ढलने लग जाता है बुद्धि भगवान के अनुसार, उसके बाद संसार से आशा हट जाती, बस जीव गया। ये बड़े रास के नुक्ते हैं पकड़ लो, कि जब तक मैं भगवान को अपने मन में, भगवान के उपदेश को अपने मन में नहीं रखता, तब तक बात बनेगी, तब मुझे जहान धोखा देगा, जहान मुझे सब बाघियां दिखाएगा। अब आप दुख की रेमेडी क्या है, दुख निवारण क्या है, भगवान का चिंतन। अगर आप ये हो गया है, मेरे प्रभु आप पे बड़े खुश होंगे। मन में आपका चिंतन किसका करते गए, ये हर एक महात्मा, हर एक महापुरुष, हर एक अनुभवी ये कहता है, मन में चिंतन किसका है, क्या भगवान का चिंतन होता है? बड़ी जल्दी आपके दुख सड़ जाएंगे, वश्रीभूत हो जाएंगे, अगर केवल भगवान का चिंतन है। देवी फिर आपका आना यहां पर बहुत सफल हो रहा है, फिर मेरे हर बुजुर्ग, हर मेरे धार्मिक भाई का आना ठोस रूप में सफल है, हमने ऐसे ही लाभ उठाया, उठा रहेंगे, आप भी उठाओ। कि मन में चिंतन भगवान का होना चाहिए, क्योंकि इनमें चिंतन क्या करूं, इनका चिंतन तब करूं जब इनसे मुझे शांति मिले, आराम मिले, चैन मिले, और मेरे नाना प्रकार के दुख जो आदि व्याधि उपाधियां हमेशा में निकल जाए। देन एंड इज वेरी वेरी गेनर, यानी मैं लूजर हो जाऊंगा, गेनर नहीं बनूंगा। ऐसा मन को समझा जैसे हमने समझाया, मनो तुझे चिंतन करना है, उसका चिंतन कर जिससे सुख मिले, आराम मिले, चैन मिले। समझाइए मन को अबोध बच्चे की तरह, मन चिंतन करना बुरा नहीं, पर उसके चिंतन का ना जिससे शांति, आराम, चैन और करार मिले, इनसे मिलना नहीं, इनमें भगवान ने चैन करार रखा नहीं, इनमें तो रखा है लेन देन का संबंध, कुछ दो कुछ लो, कुछ दो कुछ लो। संसार में मां बाप बहन भाई जितनी भी हमारी रिश्ते लेने देने का संबंध है, इससे परे कुछ आपने सोचा तो मुझे बता दीजिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूंगा, आपका बड़ा कृतज्ञ हूंगा। सिर्फ लेने देने का लेखा चुकरा इनसे, पर हमारा बुद्धू मन, अज्ञानी मन इनसे सुख की उम्मीद रखता है, भैया मार खा लेगा। इनसे सुख की उम्मीद रखना महामूर्खता है, लेन देन का संबंध है, कुछ आप देंगे कुछ इनसे लेंगे, दरदाल। जब आगे आप बढ़ते हैं तो वो नहीं, वो इनमें भगवान ने रखा ही नहीं, वरना बहुत शांत होते हैं मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, लेकिन हो ही नहीं सकता इनमें। इसलिए भगवान ने कहा, चिंतन तो मेरा किया कर, हा हा हा, चिंतन तो मेरा कर, हा, और संसार में व्यवहार कर ले, अपने कर्जे चुका ले, जो कर्जे देने लेने के वो चुका दे बेटा, पर इतनी करेक्शन अपनी कर लीजिएगा बेटे, इतनी करेक्शन कर लो बस, ये एक सिद्धांत है बेटे, ये एक सिद्धांत है। बिल्कुल सच्चाई की बात है कि चिंतन में वो आए, ये कि नियम है रब ने बना रखा। अगर आपने राष्ट्रभाषा हिंदी बड़े ध्यान से पढ़ी हो तो मैं कुछ एक दृष्टांत दूं। ग्रामर आपने शायद पढ़ी होगी, यानी व्याकरण, तो व्याकरण में अच्छी हिंदी बनाने के लिए बड़े अच्छे नियम है। हमें समझ नहीं आती कि रा कहां लगाएं और अणा कहां लगाएं, कभी आप पजल हो जाएगी हिंदी जानने वाले कि अब रा का लगाया जाए और अणा का लगाई, में दोनों में फर्क कुछ नहीं। जब कभी हम राइटिंग करते हैं तो अपन मत ये क्या लगाऊं, अणा लगाऊं या रा, तो उन्होंने पहले बता दिया, ये एक नियम है क्या, कि जहां पहले किसी शब्द में रा आ रहा हो धारण, तो आगे अणा आएगा, ना नहीं आ सकता। अगर रा पहले आ गया तो ना नहीं देता, धारण आप ना लगा सकते, ना रा गया है। अब ये नियम है, मैं कुछ नहीं कह सकता, ये ग्रामर का हिंदी में नियम है। इस तरह शाह पेट फटा, जिसे हम मूर्धन्य शाह बोलते हैं, ये भी जा आता तो अणा आएगा, पोषण, अब पोषण के बाद ना नहीं लिखते, पोष अणा लिखेंगे, अणा लिखेंगे, धारण पोषण। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, आप कर सकती हैं, ये ग्रामर का नियम है, हिंदी ग्रामर का, उपदेश की तरीके से। जैसे अगर पहली बार आप कहीं हरिद्वार में जाएं, ऊपर उत्तरकाशी जाएं, या ऊपर से और जाए जहां लक्ष्मण झूला, राम झूला, आप पहुंचे, हाँ, तो फौरन आपको कोई ब्राह्मण मिल जाता है, आपको, आप मुझे सिर्फ 5 रुपए दे देना, मैं आपको सब यहाँ के मंदिरों में घुमा के परिचय दे दूंगा, फौरन कोई ना कोई मिल जाएगा। अच्छा, 5 की जगह मैं 10 दे दूंगा, अब मुझे बता दे, तो जो 7 मिल जाएगा वो जानकार है। इस तरह महाराजी में तलीन होने से पहले जानकार उनको उपदेश है, जिसके द्वारा
हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। उपदेश का मतलब द्वारा, बेटे उपदेश का मतलब क्या राफ है, इसके द्वारा, इसके मीडियम से, इसके माध्यम से, ये बात जानिए। बड़ा बढ़ गया जी, एक नियम यह है कि जब जब हम भगवान के नजदीक जाएंगे तब शांत कर सकते हैं, क्योंकि भगवान आनंद के घर है, भगवान शांति घर है। और कलयुग में मुश्किल नहीं है, मेरे जैसे से समझ लीजिए, बस एकाग्र होना चाहिए। और एकाग्र मन कब होता है, जब ये सच्चाई समझ जाए कि सब असल जात तो भगवान की है, फिर क्या होगा, चिंतन भगवान का। मैं वही रुका पड़ा हूं, जिसके मन में चिंतन भगवान का हो गया, अब नहीं दुख हो सकता। आजमा के देख लू, मुझे टोका करो भिक्षक, मैं इसमें अपना मान समझूंगा अपमान नहीं, क्योंकि मैं गीता सुनाने, समझाने, मन में बिठाने आया हूं। मेरा मिशन ही यही है बेटे, मेरे जीवन का उद्देश्य ही यही है कि मैं आपको समझाऊं, बिठाऊं। ये आप चिंतन भगवान की शुरू कर दो, आज से अभी से शुरू कर दो, फिर मुझे बताना दुख किसे कहते हैं। है मन प्रफुल्लित, क्यों, भगवान विशेष प्रकार की शक्ति दे देती, विशेष प्रकार की शक्ति को बोलना चाहिए दिव्य शक्ति देती। आजमा लो, जो हमने आजमाया आपकी झोली में डाल रही, एक विशेष प्रकार की दिव्य शक्ति प्रभु देती है, मेरा पार। और इसी को हमारे परमात्मा ने कहा कभी ना भूलना, ऐसे ऐसे भगवान के बोल अपने मन में रखो या कॉपी पे मोटे अक्षरों में लिख लो, अगर दिल है मजबूत, और फिर प्रश्न करो दिल मजबूत कैसे होगा, भगवान के उपदेश से, भगवान के पावन नाम से। अगर आपकी सेहत बनी गई तो पौष्टिक पदार्थ खाने से, आप दूध का सेवन कीजिए, जरा और कोई डॉक्टर साहब जो कहते हैं चीजों का सेवन कीजिए तो आप गिरी हुई सेहत आप रिकूप कर लेंगे, आपकी सेहत बन जाएगी, वरना सेहत गिरती जाएगी। इस तरह मन में जब चिंतन भगवान को होता है तो भगवान की शक्ति दे देती है, जिससे मन मजबूत हो जाता है। मजबूत मन का मतलब कुछ भी होता रहेगा संसार में, आपका मन गिरेगा नहीं। सर्दी आए, गर्मी आए, मान आए, अपमान आए, कोई जन्म ले या मर जाए, या कैसा भी अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, प्रिय घटना घटे या अप्रिय घटने, आपका मन स्टैंड स्टिल अर्थात स्थिर अर्थात स्टेबलाइज है। जब मन मजबूत हो जाएगा, तन बेचारा क्या करता है, फीलिंग फैक्टर तो हमारा माइंड है, महसूस करने वाला हमारा मन है। और मन अगर मजबूत कर लिया जाए, और जितना मजबूत मन, जैसे मैंने देखा गीता करती है, गीता का उपदेश, ऐसा कोई शास्त्र नहीं मिलेगा, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे महापाप लगे। मन को मजबूत करने का गीता से बढ़कर और कोई शास्त्र नहीं, गीता इज सुप्रीम। मैं पक्षपात होकर कह रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने भारत के अनेक शास्त्रों का स्वाध्याय किया, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके मैं कह रहा हूं। इतना चोटी का उपदेश है भगवान जी का, जो मन और बुद्धि को बहुत मजबूत बना देता है, बहुत मजबूत। अगर मन मजबूत, बुद्धि मजबूत, तो मन तो तन भी मजबूत रहेगा। तन भी कह रहा तो कुछ नहीं कर, तन तो मार खाता है मन के निर्बल होने से, और मन मार खाता है बुद्धि के निर्बल होने से, और बुद्धि मार खाती है, बताइए। कसूर तो बेचारे मन का होता है, तन मार खा लेता है, मन धक्के देता है, फिर चल सिनेमा चलिए, धक्के कर है, चल जरा पुराने पार्क में चले, तन धक्के कर है, चल जरा ओ दिल्ली देखा है, चल जरा पुरानी देवी के दरबार में चले, ये बेचारा रोल रहा है, लोफर के अंदर लोफर बैठा है मन, चल जरा पुरानी बोतल पिया है, चल जरा बाहर सैर करेंगे। तो आपका तन बेचारा धक्के खाता है अंदर के गंदे मन के कारण से, और मन धक्के खाता है गंदी बुद्धि के कारण से। इंटेलेक्ट इज नॉट साउंड, अनसाउंड होती है जब, और बुद्धि कब धक्के खाती है, ज्ञान ना हो, केवल कृष्ण और परमात्मा के बनाए हुए अटल नियमों का उल्लंघन करे, और बुद्धि कब धक्के खाती है बेटे, ओ मेरी बेटी। गंदे संस्कारों के कारण, और सोचो दुविधा में हो तब, और बुद्धि बिचारी कब मारी जाती है। फिर मैं कहूंगा तन धक्के खाता है जब अंदर मन विकारी हो, विकार होते हैं काम क्रोध मोह लोभ अहंकार निंदा मत्सर राग द्वेष इत्यादि, इनको एक शब्द हमारे बोलते हैं विकार, अर्थात ऑल दीज आर नेगेटिव क्वालिटीज।
तो बुद्धि मन मार खाता है, जब बुद्धि ठीक ना हो तो बुद्धि कब मार खाती है? वो मेरे नन्हे अच्छा केवल कृष्ण ठीक फरमा रहे हो, फरमाइए अवर ना जा। इतनी गहराई में कोई गया ही नहीं। अब इसी बात को लेकर सारे शास्त्र ढूंढ लो, अगर जवाब मिल जाए आपको तो वाह। तन मार खाता है अशुभ मन के कारण से, उसमें गंदी वृत्तियां होती हैं और वो इनको धकेलता फिरता है। और मन मार खाता है, तन तो मार खा गया, मन मार खाता है किसके कारण से? जब बुद्धि ठीक ना हो, बुद्धि के इरादे ठीक ना हो और बुद्धि मार खाती है। ये भी तो कोई कारण होना चाहिए ना। तन के दुख का कारण मन, मन के दुख का कारण बुद्धि, और बुद्धि के दुख का कारण होगी। ये भूल न गए करो बच्चे, भगवान इसका बड़ा शानदार जवाब दिया है। साथ अपने ले जाए मन और आवाज, हवा जैसे ले जाए फूल। जब पिछले जन्म के संस्कार इसके गंदे हो, दैट इज द बैकग्राउंड। ये कोई नहीं समझा सकता, देवी देवता भी, जिसके गंदे संस्कार हैं। भगवान कहते हैं ये राज उससे मत कहे, रोकती है मेरे प्रभु कि ये राज उसको नहीं कह रहा, क्योंकि ये इसके अब योग्य नहीं है। उसने धक्के खाने, संस्कार अपने कंज्यूम करने, तब सुतगुण जागेगा। फरमाइए केवल कृष्ण खाती है जब साथ अपने ले जाए। मेरी बेटी की शादी हुई, कब मार खाई? जब घर वाला अच्छा नहीं है, मैं अब इस घर में कभी मुंह ही नहीं दिखाऊंगी। आपने ये कहना कि डूब मर, तो मैं डूब मरने जा रही हूं। हाय मेरे अरब, जैसे मैंने जीवनी पढ़ी, जब उन्होंने तीन बार प्रणाम किया, प्रभु मेरे शरीर के पति की आज्ञा हुई है कि डूब मर, तो मैं डूब मरने आ रही हूं, लेकिन मेरे मन को तो गिरधर गोपाल आप संभाल लेना। मन तो आपका है, आपके कारण से ही ये सब कुछ कर रही हूं। तो जीवनी में आता है जब उसने छलांग मारने की कोशिश की, पीछे से पकड़ा लिया किसी ने मीरा। इसके बाद मीरा वृंदावन में चली सदा के लिए। बेटे वो तो भोग है ना, जब वो पूर्ण रूपेण उनकी बन जाती हैं, बराना तो नहीं बदला, पर मीरा वो ही रही, तो फिर भगवान का वो फरमान कहां जाएगा? अगर आपने अजमा, हम तो कई बार अजमा चुके, आप भी अजमा लेना, क्या करूं हाजते उनकी, क्यों मेरी हिफाजत में हो? फिर तो भगवान की हिफाजत में है ही, हिफाजत मैंने उनकी रक्षा में, ये उर्दू शब्द है अपनी भाषा, रक्षा, उनकी रक्षा में तो हम है, उनकी प्रोटेक्शन में हम है। भगवान करे हम सब अपनी कमियों को पूरा करें इस ज्ञान यज्ञ के दौर दौरों में। अब हमारे संस्कार अच्छे, सतगुण बड़ा हुआ है, बुद्धि में एक ही निर्णय आ रहा है, मन में अगर प्रभु का चिंतन हो, अब दुख गए कर लो मेरी देवियों कर लो, बुद्धि का एक ही निर्णय, मैंने भक्ति कमानी है। चाहे मैं क्वारी हूं, क्वारी बन के रहूं, ब्याह बन के रहूं, चाहे मैं मां बन के रहूं, कुछ भी बन के रहूं, लेकिन मैंने सबसे पहले अपने भगवान के आज्ञाकारिणी या आज्ञाकारी बन के रहना बस। और आज्ञाकारी का मतलब क्या है? जो केवल भगवान का चिंतन करता है। मुझसे पूछो वो केवल भगवान का चिंतन करती है, वो भगवान की देवी है, वो भगवान का भक्त है। चाहे मैं कितनी माला लगाऊं, कितने कपड़े दूसरे पहन लूं, जो मर्जी कर लूं, कुछ फायदा नहीं, ईश्वर की कसम, जब तक मेरा मन उसका चिंतन न करे। ये मेरे से पकड़ लो। बड़े आप गस्ती में कोई रहना पाप नहीं, जिस तरह भी रहना कोई पाप नहीं, पर देखना तो मन को गए कि मेरा मन भगवान का चिंतन करे, बस केवल अपने प्रभु का चिंतन करो, फिर आप बन जाएगी। ये देखना मेरी बच्ची, इस शर्त को मैं हूं तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, शरीर छोड़ूंगा तो बड़ा खुश होकर छोड़ूंगा। अगर आपको ये पक्का करा दूं, सिर्फ इतनी सी बात, सदा मेरा पैगाम, इतनी तो शर्त पूरी कर लो, या तो अपने मन को कहो या मैंने आना ही नहीं, आना है तो हम सच्चाई का चिंतन करें। और इस संसार की सच्चाई इसको बनाने वाला, यूं कह मेरी बेटी, संसार की सच्चाई, संसार का ट्रुथ, संसार की रियलिटी क्या है? क्योंकि ये रियलिटी नहीं, ये जा रही है, भाग रही है, दौड़ रही है, ये एक जैसा नहीं है। तो रियलिटी क्या होती है? जो हमेशा एक जैसा रहे और इनका कारण हो। जैसे मैं दृष्टांत दूं, गहने या आभूषण या ऑर्नामेंट रियलिटी नहीं है, जिससे गहने बने हैं वो सोना रियलिटी है। तो ये नाना प्रकार के जो बने गए रूप, ये गहने की तरह गए, तो ये बने किसी है भगवान से, तो भगवान इज दी ओनली रियलिटी।
यही उसकी सच्चाई है, तो इसलिए आप उसी सच्चाई का चिंतन हो। शाबाश, आप नाना प्रकार का नाम लेंगे, मेरे कान का भूषण, मेरे नाक का भूषण, मेरे गले का भूषण, मेरी जो है भुजा का भूषण, मेरा फलान, हम क्या कहेंगे, सोना 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 है। अब सियाना तू या सियानी मैं है, आप तो ले लिए जा रही है जेवरों के नाम, मैं लिए जा रहा हूं जिससे जेवर बनेंगे, बस एक संसारी और भगवान के प्यारे में इतना फर्क है, वो भगवान का नाम लिए जा रहे हैं जिससे ये सारा कुछ बना है, और वो दूसरों में लिए जा रहे हैं, वो धक्के खाएंगे, क्योंकि क्यों धक्के, किसी से राग किसी से द्वेष, फिर वासना कामना खड़ी हो जाएंगी, और जो असलियत का चिंतन कर रहा है कि नहीं असली सत्ता तो ये गए, उसके ये सारा कुछ खत्म हो गया। कृष्ण कृष्ण कहने में कृष्ण को मजा नहीं आता, हमारा कल्याण है, हमारा मन फिर गंद मंद को नहीं सोचेगा, जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना हरे कृष्ण, मतलब यही सच्चाई है, बाकी इसी से सब कुछ बना है। हाँ वही जात जिससे जो सारे जहां पे अच्छा ही, मैं उसका नाम ले रहा हूं जिससे सृष्टि बनी है, मैं उसका नाम ले रहा हूं जो सृष्टि का पालन करने वाला है, मैं उसका नाम ले रहा हूं जिसमें सृष्टि समा जाएगी है। अब मैं पूछना, हमारी कम बुद्धि वालों कहा क्या, जल 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 जल। बाबा क्या कर रहा है, जल जल कर रहा हूं, नदी किनारे बैठा हुआ जल जल कह रहा है, मुझे जल जल जपने दो, क्यों, मेरे सामने ये नाना प्रकार के बुलबुले आए, ये बुलबुला कहां से आया, जल से, बुलबुला कहां खड़ा, जल पर, बुलबुला फूट गया कहां, जल में, सच्चाई क्या हुई, ये बड़ा दृष्टांत है, ये महर्षि वेद व्यास जी का बहुत लाइक कर दीजिए, बहुत ही घृतक दृष्टांत है, व्यास जी का बहुत कमाल का दृष्टांत, बुलबुला सत्य नहीं, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं इस दृष्टांत से, आप लाभ उठा लो, बुलबुला सत्य नहीं, बुलबुला जल से निकला गए, जल पे खड़ा गए, टूट के कहा गया जल में गया, तो हम क्या बोलना चाहिए, मुझे जल 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 जल, इस तरह समझ लो, संसार सत्य नहीं, संसार के प्राणी पदार्थ सत्य नहीं, ये कहां से बने हैं, भगवान से, ये कहां खड़े हैं, भगवान की शक्ति से, और कहां तले जाती है, भगवान की जात में वापस, तो मुझे क्या जपना चाहिए, मुझे भगवान का नाम लेना चाहिए, अपना मन भगवान, हमने अपने मन को यूं समझाया है, समझ गया है, रो के हंस के, आप भी समझा लो कि नदी के किनारे बैठ करके बुलबे भंवर तरंग लहरों को नहीं देखना चाहिए जो टूट रही है, लेकिन ये है क्या, पानी से उठी है, पानी पे खड़ी है, पानी में जा रही है, तो सृष्टि भगवान से पैदा हुई है, भगवान पालन कर रहे हैं और भगवान अपने में ले रही है, इसलिए क्या कहना चाहिए, कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कह लो तुम, हरे राम हरे राम, तो जब ये दोनों को नहीं मानते तो रब तो कोई मानते हो, हाँ तो बोलो जय वैगुरु वैगुरु वैगुरु, लेकिन उसको ये वैगुरु की राम की कृष्ण की अल्लाह मियां की तारीफ ये करनी पड़ेगी जिससे खुदाई हुई, अगर आप ये नहीं करेंगे तो मुझे आपकी कसम आप तक की नहीं कर सकते, क्योंकि मन में विक्षेपता नहीं जाएगी, विक्षेपता तब जाती है जब असलियत की पहचान कर ली जाए, फिर मन उस एक में टिक जाएगा, शाबाश कि मैं उस भगवान का नाम ले रहा हूं जिससे खुदाई हुई और जो पालन भी कर रहा है और जो अखीर अपने में ले भी रहा है, मन की उड़ारी खत्म, मन की भागदौड़ खत्म है, मन का संकल्प विकल्प खत्म, मन की चाहना खत्म, वो एक में जम जाएगा, बस उस एक में, इसलिए भाई मेरी देवियों वो ठीक रूप से जा रहा है जिसके मन में चिंतन सच्चाई का, यथार्थता एवं वास्तविकता रियलिटी का हो रहा है, और मैं बार बार कहूंगा संसार की रियलिटी केवल एक भगवान है जिनको हमें बड़ा मजा आता है कृष्ण कृष्ण कहने में, बहुत मजा आता है, हमें क्या करें, हमें बड़ा रस आता है भगवान को कृष्ण रूप में सुनने का, कृष्ण रूप में कहने का, कृष्ण रूप में बोलने का, कृष्ण की गीता पढ़ने, बड़ा रस आता है उसमें, तो ये कृष्ण कौन है जो इस सारे संसार को रचने वाले गए, हमें नहीं इससे मतलब कि वसुदेव के पुत्र थे या उनकी राधा थी महारानी, हमें इससे कोई मतलब नहीं, या मेरे भगवान ने बड़ी लीला की, इससे कोई मतलब नहीं है, या उनके अर्जुन थे बड़े चोटी के भगत, हमें इससे कोई मतलब नहीं, वी हैव टू सी द रियलिटी, ये तो अवतार अवतारवाद में आ गया ना, जब उन्हें साकार रूप लिया, फिर रियलिटी क्या है, वैसे वासुदेव का अर्थ ये लगाती है, वासुदेव पिता का नाम था ना, हाँ लेकिन मां पुरुष कहते इतने में ना रह जाओ, वस होता है रहना, देव होता है रोशनी, जो रोशनी सर्वव्यापी रूप में रह रही है वो मेरे कृष्ण, और जो वसुदेव के घर में साकार रूप में कुछ समय के लिए प्रकट हुए वो मेरे कृष्ण, यू अगर अर्थ लगाएंगे मन आपको उड़ारियां मार जाएगा, वसुदेव दैट विच इज रिजाइडिंग इन एवरी पार्ट एंड पार्सल एवरी कण,
वसु मैंने रहना, देव मैंने रोशनी, जो रोशनी हरेक में रह रही है, और जो साकार बन करके वसुदेव के हा प्रकट उत्पन्न हुए, नहीं उत्पन्न कहेंगे बड़ा पाप होता है, प्रकट हुए जिन्होंने अवतार लिया कुछ समय के लिए किसी खास मिशन को लेकर के, वो मेरे इष्ट देव है। उसके लिए भगवान कह रहे हैं अब कह मुझको परमेश्वर की, कौन से परमेश्वर किया जिसने हस्ती का दरिया, किसी को मौका ही नहीं दिया ये कहने का, भाई वही तेरे परमात्मा है जिन्होंने इस सारी सृष्टि को प्रकट किया। अब सारे मान जाएंगे चाहे किसी भी धर्म मजहब से संबंध रखते हो, भगवान की परिभाषा तो इससे बढ़ के हो ही नहीं सकती। जिसने संसार को प्रकट किया, जो संसार का पालन कर रहा है, और जो संसार को अपने में मिला लेगा, बस उसका चिंतन शुरू हो गया। अब आप पास दुख नहीं आ सकते, अब आपका मन शांत रहेगा, प्रफुल्लत, चाहे घर में बीमारी हो, चाहे घर में आटे की कमी हो, या किसी चीज का, अब मन का प्रफुल्ल, क्या होगा, कोई बात नहीं, ये तो कोई क्या हो क्या गया, वो कुछ नहीं, कोई कोई बात नहीं, ये तो हो चाहिए, कोई बात, बीमार है या कुछ है, आपको कमी नहीं महसूस होगी, लड़का नहीं है या पुराने नहीं है या धन कभी, कोई बात नहीं, परमात्मा चाहता है इतने में गुजारा कर, मैं इतने में गुजारा कर लूंगी, कोई ऐसी बात नहीं, मैं इतने में सही। सियाने को क्या व्यवहारिक रूप में कौन सियाना, मैं बताता हूँ, परमार्थिक रूप में तो वही सियाना जिसने के मन अपना भगवान में लगा लिया है, और व्यवहारिक रूप में कौन सियाना, जितना रब दे रहा है उसमें गुजारा कर रहा है, उसको बोलते हैं व्यवहारिक रूप में सियाना, संसारी रूप में सियाना, जितना परमात्मा दे रहा है उसमें गुजारा कर रहा है। अंग्रेज मरे क्या, हम क्या अंग्रेजी बनाए अपनी, पिट पिट की फिर कचे आपने जाते हैं पादरियों के पास, पादरी मैंने उनके महात्मा, क्या हम क्या अंग्रेजी बनाए कि वही सियाना जो अपने जितना है उसको गुजारा कर रहा है, ये तो कोई बात नहीं, ये तो आसान बात है कि तुम इसकी ये कहावत बना दो, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू दी क्लॉथ, क्यों दर्जी, हाँ अपना कपड़ा उतना कट, अपना कोट उतना बना जितना कपड़ा तेरे पास हो, मां दे पुत्रा, तू बनाने जा रहा है इस बाबे का, और कोट का कपड़ा है थोड़ा तो इसने पुत्र का बना दे, हाय हाय, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू दी क्लॉथ, हाय काका, अगर क्लोथ हो क्लॉथ के बाद ई लगा के तो सिले हुए कपड़े, अगर केवल क्लॉथ हो तो थान, अनसिले कपड़े को क्लॉथ बोलते हैं, अगर ई लगा दी जाए तो सिले हो गए क्लोथ, तू थान इतना कट जितना तेरे पास कपड़ा है, तो संसार रूप में सियाना कौन, जो जितने में है उतने में अपना गुजारा कर ले, और परमार्थ रूप में सियाना कौन, जिसके मन में चिंतन भगवान का होगा, अब नहीं तो कर, अब तो बस। इसलिए भगवान ने फिर इसके उलट कहा, सुनेगा न मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा, तबाह तो उसने अपने सवाल पैदा करने हैं, क्योंकि जो भगवान का चिंतन, जो सच्चाई है, नहीं चिंतन करेगा तो फिर नाना प्रकार के चिंतन, माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, जिन्होंने बुरा किया उनका, कभी मन उधर जाएगा भविष्य की ओर, कभी वर्तमान की कमियों की ओर भागेगा, जरी विक्षेपता रहेगी मन के अंदर। इसलिए दानाक है भगवान की नजरों में वो कान जो केवल प्रभु का चिंतन करता है, ये बना लो दुख निवारण हो गया बेटे, दुख निवारण हो गया। हमारी गीता भी इसी सिद्धांत में संपूर्ण होती है, क्या जा है कृष्ण, 18वें अध्याय का अंतिम उच्च कोटि का सिद्धांत श्लोक रूप में, जा है कृष्ण वीरबा, जिसने अपने उपदेश में कृष्ण को ले लिया, मन में कृष्ण को ले लिया, बुद्धि में कृष्ण ले लिया, और व्यवहार भी अपने भगवान के लिए कर रहा है, सब कुछ वही है, सब कुछ, वह कमी क्या रह जाएगी उसको। पर सिद्धांत ये याद रखना, जा है कृष्ण, देख लो हिंदुस्तान भूल गया, हिंदुस्तानी भूल गए, भारतीय भूल गए, सुख रहने का तरीका ये था अपने भगवान को मनाना, भगवान को रखना, भगवान के लिए कर्म करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान का निर्णय लेना, और भगवान करके रिश्ता बनाना या शादी करना। अब भगवान करके रिश्ते नहीं बनाते, हम अपने स्वार्थ करके बनाती हैं, काम क्रोध लोभ करके बनाती हैं। शादी तो करती है तो बाहरी रूप में के लिए करती है, भगवान करके नहीं। इसलिए आपको बोलते थे मेरी धर्म पत्नी है, ये तो नहीं कहती मेरी प्यार पत्नी है, ये मेरी शरीर पत्नी है, अब भी हमारा देश बोलते हैं धर्म पत्नी, धर्म के न, और धर्म में कौन मुस्कुरा रहा है, आपके कृष्ण, धर्म में किसकी मुस्कुराहट है, भगवान की। आपके पजामे में कौन बोल रहा है, सूत सूत सूत, सूत के धागे आपके पजामे में बोल रहे हैं, हाँ। अरे तेरी साड़ी में कौन बोलता है, ये रेशम के धागे, ये रेशम की साड़ी है,
तो धर्म में कौन बोलता है? जो धर्म को बनाने वाले का है, मैं दीन अजल का भी हूं, मेरी जात आली में रास्ता है। धर्म में भगवान की मुस्कुराहट है। मैं भी दिलो जान से पक्का कर रहा हूं, मेरे कहने का जरूर असर पड़ेगा आप पर, आप भी दिलो जान से पक्का करें कि मैं चिंतन में भगवान को रखूं। दुख हमेशा के लिए गए, कब उठते गए जब महाराज जी का चिंतन। ये दृष्टांत में कभी नहीं भूलूंगा, आपको भी गायब गया याद करवाता रहता हूं। हनुमान हनु महाराज, सीता किसो ले आए? हाँ प्रभु मिल गई। कहां है? रावण के अशोक वाटिका में। जिंदा है? पिछला पैर पीछे रह गया, अगला पैर आगे रह गया। कहीं भाई को नाथ चल नहीं सके हनु, वैसे इसे आंखों सामने के एक पैर पीछे का आगे वहीं जाम हो गए। प्रभु आपने ये प्रश्न क्यों किया? मैंने ये प्रश्न क्यों किया? क्यों ना मारी हमसे बिछड़ाई? वो मेरे से बिछड़ के मर चुड़ी गई। बड़ा अजीब प्रश्न है मेरी देवी, मेरे सजनों, क्यों ना मारी? जवाब ले लो सर। प्रभु आपने ठीक कहा, प्राण बसे तब पंकज में, यम आवत है पावत ना। उसका मन तो आपके चरणों में लगा पड़ा है, यम तो आता है पर आपको तो नहीं छू सकता अगर आप गहराई में जाए तो, क्योंकि उसके मन में दयाल का वास है, काल का छुए। अच्छा हनु भाग के आ जा। क्या गजब का जवाब दे गया हमारे जैसों के लिए, क्यों नहीं सिया मरी? प्राण बसे तब मैंने आपके पंकज, मैंने चरण कमलों में, यम आवत है पर पावत नहीं। आता तो है पर पाए कैसे, क्योंकि आप तो काल के भी महाकाल है, आप तो भगवान ने। जिसका मन सिद्धांत हो गया, जिसका मन भगवान का चिंतन कर रहा है, दुख आवत है पर पावत नहीं, क्लेश आवत है पर पावत नहीं, मन में रख लो, मन में रख ले मेरी भोली भाली नरम मन वाली देवी, आप भी तो कल्याण के लिए आती है ना, मन में रख लो। जो हनुमान जी ने सिद्धांत बता दिया, यम आवत है प्राण बसे तब पंकज, पंकज कहते कमल, कमल चरण कमलों में तो उसके उसका मन लगा हुआ है आप में, अब कैसे करें? यही एक सिद्धांत है, अगर मुझको मन में सब रोग से हार्दिक धन्यवाद। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण।
भवन सुखिना सने संतु निराया सने भद्रान पश्यंतु माता चीज भाग बने हरिओम शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसने हार्दिक धन्यवाद।